धनबाद झरिया के मोहलबनी घाट में आप देख सकते हैं, ये दामोदर नदी है झरिया का मोहलबनी घाट में। यहाँ आज जो छठ पूजा करती है वो व्रतियाँ जो है वो आज नहाने के लिए आई हुई है, क्योंकि आस्था का जो महापर्व है छठ, चार दिनों तक चलने वाला, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। हम जानना चाहेंगे जो व्रतियाँ हैं उनसे कि आज क्या है और कब से वो कर रही है। मैं कह रहा हूँ आपका कब से कर रहे छठ पूजा? अच्छा, क्या कद्दू और चावल, चना दाल का सब्जी बनता है, दाल बनता है, और अरवा चावल का चावल बनता है, वही आज हम लोग खाएंगे। और इसीलिए हम लोग छठ करते हैं, छठ का बहुत महत्व है, बहुत पर्व है। कब से कर रहे हैं आप? हम लोग 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। पिछले वर्ष तो नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना थी। कोरोना थी, फिर भी घर में किए थे, करे थे, छत पे अर्घ दिए थे सूर्य भगवान को। तो इस बार खुश है क्योंकि घाट पर आने का मौका मिला, आने का मौका मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश है। अभी इससे और अच्छा हो जाए, छठ माता से करते और देश हम लोग का अच्छा हो जाए, इसलिए हम लोग छठ कर रहे हैं। आप आज घाट पर आए हुए हैं, क्या है? आज तो नया खाए कदुआ भाग कर, एक महीने से करीब करीब हम लोग, मेरा मिस प्लस लहसुन प्याज धनिया से बंद है, ठीक है, और एक महीने तक यहीं रहेगा। हम लोग के लिए महापर्व है जो छठ पूजा मानते हैं, इसको हम धूमधाम से मनाते हैं बिहार में, खास करके बहुत अच्छे लोग, बहुत खास करके बहुत ये बिहार का, हाँ बिहार, लेकिन अब तो पूरा देश मना रहा है, पूरा देश मना रहा है। पिछले वर्ष तो नहीं मनाए होंगे घाट पर? मनाए थे लेकिन उस ढंग से नहीं, घर पे मनाए थे, घर पे मनाए थे। इस बार घाट पर आने का मौका मिला है, मौका मिला है, खुश है, खुश है, बहुत अच्छा है। और लग रहा है कि जितना है हम लोग कोरोना के चलते जो परेशानी था, कि कोरोना हमें दूर हो जाए, और छठ मैया से मांग रहे हैं सर। आज कदुआ भाट है, आज नहान खाने का है, तो हम लोग आए हैं नहाने के लिए, घाट पर आए हैं, घाट पे आए हैं नहाने के लिए। हम लोग एक महीना से लहसुन प्याज सब बंद कर दिए हैं। कितना महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत बहुत महत्व है, जो आदमी करता है उसका घर में सुख शांति, सब। आप कब से कर रहे हैं? हम, मेरा 5 साल हो गया है। और जो छठ पूजा आज कद्दू भात है, कल लोहंडा है, और परसों पहली अर्घ है, उसके बाद फिर पारण है। पिछले वर्ष तो घाट पर नहीं आए थे, नहीं आए थे, तो अब इस बार घाट पर आने का ही दिए थे। आज हम लोग छठ के नहान खान करते हैं, पूरा पूर्ण महत्व माना जाता है। और हम लोग आई नहा खा के कदुआ भात करेंगे, उसके बाद कल हम लोग खरना करेंगे, लोहंडा होगा, उसमें हम लोग खीर कोई बनाता है, कोई चना के दाल चावल बनता है, उसमें सब प्रसादी खाने के लिए आता है। बिहार में पूरा फेमस उक्त महत्व माना जाता है, हम लोग खाते हैं। आप लोग कितना महत्व मानते हैं छठ को? हम लोग पूरा मानते हैं, मानते हैं, हाँ, पूरा मानते हैं। कब से कर रहे हैं हम लोग? 7 साल हो गया है। पिछले वर्ष तो नहीं कर पाए होंगे, घर पे सब, तो इस बार तो घाट में आने का मौका मिला है, तो खुश है। क्या मांग रहे हैं छठ मैया से? छठ मैया से ही मांग रहे हैं कि साल एकदम कोरोना एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए, छठ मैया पूरा सबसे साल माल जैसे काटेंगे, सब अच्छा रहेंगे, सब कष्ट दूर होगा। आपने सुना व्रतियाँ काफी खुश है क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा घाटों पर आने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने घाटों पर जाने की अनुमति दी है। लेकिन साथ ही राज्य सरकार ने यह भी लोगों से अपील किया है कि वो कोरोना गाइडलाइन का भरपूर पालन करते हुए घाट पर जाएं और छठ पूजा मनाएं। साथ ही व्रतियां छठ मैया से यह भी विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि छठ मैया देश से जल्द कोरोना से देश को मुक्त करें। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।